नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरुधरा न्यूज। बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस विधायक बेरवा बोले, राजस्थान में जल्द होगा फैसला। कहा, पायलट को सीएम बनाने की बात पुरानी हो गई है, अब फैसला लेने का वक्त। राजस्थान में बजट सत्र से पहले 2 दिन फील्ड में जाएंगे मंत्री, सरकार और संगठन के काम का लेंगे फीडबैक। विधानसभा स्पीकर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट मुहर लगाएगी तभी कानून बनेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, अदालतें मर्यादा का पालन करें। राजस्थान के जोधपुर में बेरोजगारों ने सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच के लिए निकाली रैली, सरकार को दी चेतावनी। उपेन यादव बोले, किराए की बिल्डिंग नहीं, पेपर लीक माफियाओं के मकान तोड़े। अजमेर में बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन, 5 सूत्री मांगों को लेकर किया विरोध, 18 जनवरी को सड़क पर उतरेंगे। 33 जिलों में आंदोलन की दी चेतावनी। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल इसी महीने संभव, राजस्थान के सांसद बेचैन, चुनावी राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीद। पीएम मोदी आज 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का कर्नाटक के हुबली में करेंगे उद्घाटन, देश भर से 30,000 युवा होंगे शामिल। विशाखापट्टनम में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, आरोपियों को पकड़ने के लिए खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी। 19 जनवरी को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार में पुलिस पर हमला, 16 गाड़ियां फूंकी। बक्सर में पावर प्लांट का विरोध कर रहे किसानों को पीटा, तो पुलिस पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। जोशी मठ में प्रभावितों को मिलेंगे 1.5 लाख रुपये। सीएम धामी बोले, ये अंतिम राहत नहीं, तत्कालिक मदद है, सभी के साथ न्याय होगा। राजस्थान के जोधपुर में